है, तो हम ये कहेंगे कि लेट द एपी बी, लेट द एपी बी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके छोड़ दीजिए। तो वो बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो सम ऑफ एम टर्म्स क्या होगा एस एम। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो सम ऑफ एम टर्म्स क्या होगा एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समझ गए। तो उन्होंने रेशो दे रखा है, किसका रेशो दे रखा है, उन्होंने बोला द रेशो ऑफ द सम्स ऑफ एम टर्म्स एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। तो एस एम अपॉन एस एम गिवन, यहाँ पर देखें गिवन है एस एम अपॉन एस एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। और एस एम क्या है, एस एम ये है एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन एस एम क्या है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जब न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर टू है और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर टू है तो टू से टू काट दो, ठीक है। तो एम इंटू दिस और एन इंटू दिस ये बचा, और ये जो m है ये यहाँ पर न्यूमरेटर में है, ठीक है, और इधर m स्क्वायर न्यूमरेटर में है। तो एक m से एक m कट गया, एक m से एक m कट गया। सिमिलरली इधर n है और इधर m स्क्वायर है, तो एक m से एक m कट गया, इतना क्लियर। तो ये हो गया 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम अपॉन एन इज इक्वल टू एम अपॉन एन, यहां तक समझ गए। भाई एस एम क्या था, सम ऑफ एम टर्म्स, तो सम ऑफ एम टर्म्स क्या होगा एम अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और एस एम क्या था सम ऑफ एम टर्म्स एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या था टू और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी टू, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो टू से टू कट गया। अब ऊपर केवल एम बचा और नीचे केवल एम बचा, ये ब्रैकेट तो है ही, तो इधर एम है और इधर क्या है एम स्क्वायर है, तो एक एम से एक एम कट गया, ठीक है। ऐसे ही एक एन से एक एम कट गया, तो एम अपॉन एन बचा गया। तो टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें रेशो निकालना है किसका, mth और nth टर्म का, mth और nth टर्म का रेशो निकालना है। mth टर्म क्या होती है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगी mth टर्म, ऐसी nth टर्म क्या होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टू परेशान कर रहा है, देखो ये टू परेशान कर रहा है, अगर यहाँ पर टू ना होता तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी को बस सीधा सीधा mth टर्म बोल देता, ठीक है। अब उस टू को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ताकि नीचे वाला टू भी खत्म हो जाए, ऊपर भी टू कॉमन ले लो नीचे भी टू कॉमन ले लो, काट नहीं सकते ऊपर नीचे, नहीं नहीं बीच में प्लस का साइन, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो काट देता, हाँ ये तो हमें चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि हम ना यहाँ से न्यूमरेटर से टू कॉमन लेते हैं। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप हर टर्म को उस टर्म से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि यहाँ पर लिखा हुआ है फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट, तो आप इसको देख कर क्या बोलते हो कि 4 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, है ना। क्यों, क्योंकि 4 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि आप दोनों टर्म्स को जो आप कॉमन ले रहे हो ना उससे आप डिवाइड कर, ठीक है। तो कॉमन लेकर ऐसे लिख देते हैं बाहर, ठीक है, और उनसे दोनों टर्म्स को डिवाइड करना पड़ता है, तो 4 बचा 4 और 4 बचा 8, तो इस वजह से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। कॉमन लेने का मतलब जो भी टर्म आप कॉमन ले रहे हो ब्रैकेट में से, किसी भी ब्रैकेट में से आप कोई भी टर्म कॉमन ले रहे हो, तो
दो जो टर्म आप कॉमन ले रहे हो उस टर्म से डिवाइड करते चले जाना सभी टर्म्स को, इवन न्यूमरेटर में से टू कॉमन ले रहे हो तो पहले तो 2a को 2 से डिवाइड कर दिया, फिर m माइनस वन इंटू डी इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लिया, तो पहले तो 2a को 2 से डिवाइड कर दिया और फिर n माइनस वन अपॉन 2 को n माइनस वन इंटू डी को 2 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू m अपॉन n, 2 से 2 कट गया। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट गया, ये तो पता ही है भाई 2a में से जब 2 कॉमन लेंगे तो a ही बचेगा, है ना, पर फिर भी बनेगा अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से दिखा देता हूँ, इस 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचा मेरे पास, a प्लस m माइनस वन, इसको ऐसे लिखो m माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन m। बता दीजिए यहाँ तक समझ गए कि नहीं, यहाँ तक ठीक है? हाँ हाँ दोबारा बोलो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो चाहे इसके नीचे टू लगा दो चाहे इसके नीचे टू लगा दो, एक्चुअली मल्टीप्लाई जब हो रहा होता है तो पूरे के नीचे होगा, पूरे के नीचे होगा, तो किसी के भी नीचे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ गए? तो भाई अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हमें जब mth टर्म चाहिए होती है तो मुझे क्या चाहिए होता है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यहाँ m माइनस वन अपॉइंट टू आ रहा है, तो क्या करें, आप एक काम करो इसमें तो बोलो इक्वेशन नंबर वन, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन होगी अभी भी नहीं काट सकते ना, ये देखो इधर तो प्लस और इधर प्लस है ना, तो ऐसे नहीं काट सकते, जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तभी काट पाते हैं, नहीं तो नहीं काटते, एक में नहीं सब जगह समझे वहाँ कभी नहीं हो, ठीक है, चलो एक काम करिए, अच्छा एक मिनट एक मिनट आ गए ना बस, ठीक अब एक काम करिए, लेट p माइनस वन, मैं एक नया टर्म ले रहा हूँ p माइनस वन, लेट p माइनस वन इज इक्वल टू m माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, ले रहा हूँ, बताता हूँ क्यों, तो p माइनस वन को मैंने m माइनस वन अपॉन टू मान लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लो p की टर्म्स में, m की वैल्यू p की टर्म्स में निकाल लो, तो p माइनस वन इज इक्वल टू m माइनस वन, और ये जो टू है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू पी माइनस वन, ठीक है, ये क्या बन गया बेटा 2p माइनस टू इज इक्वल टू m माइनस वन, ठीक है, तो इसी तरीके से 2p माइनस टू और माइनस वन इधर आकर हो जाएगा प्लस वन, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं, तो ये हो गया माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस वन, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2p माइनस वन, मेरी बात समझ में आ गई सबको, इसी तरीके से जैसे आपने m माइनस वन अपॉन टू को p माइनस वन माना है, क्यों माना है वो अभी समझा दूंगा, मान लिया बस p माइनस वन, दो मिनट के लिए इस चीज़ को यहीं से लेकर चलिए आप, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि m माइनस वन अपॉन टू इसको मैं मान लूँगा q माइनस वन, इसी तरीके से इसको q माइनस वन मान लूँगा, तो लेट q माइनस वन इज इक्वल टू, कोई मजाक मत करिए अभी समझ लो इस चीज़ को, ये ना मुश्किल से समझ में आएगा, इसीलिए कह रहा था मैं ये सभी क्वेश्चन का बाप है, इसीलिए कह रहा था, अब क्या करेंगे इसको 2 से 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू क्यू माइनस वन इज इक्वल टू एम माइनस वन, एक्सपेंड करिए ये हो गया 2 क्यू माइनस टू इज इक्वल टू एम माइनस वन को इधर लेकर आओ 2 क्यू माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू एम, तो ये क्या हो गया 2 क्यू माइनस वन किसके इक्वल हो गया, एन के इक्वल हो गया, यहाँ तक समझ गए? ठीक है,
अब बस एक मिनट में और आपको बता रहा हूँ कि पी माइनस वन और क्यू माइनस वन क्यों लिया था। तो जरा देखिएगा इस पूरे m माइनस वन अपॉन, नाउ कम टू इक्वेशन वन, नाउ इन इक्वेशन वन न्यूमरेटर देखिए a प्लस, ये जो m माइनस वन अपॉन टू है ना, इस पूरे m माइनस वन अपॉन टू को मैंने क्या माना था, p माइनस वन, तो m माइनस वन अपॉन टू की जगह डाल दो p माइनस वन इंटू d अपॉन डिनोमिनेटर में, ये जो पूरा n माइनस वन अपॉन टू है, n माइनस वन अपॉन टू को मैंने क्या माना था, q माइनस वन, ठीक है, तो n माइनस वन अपॉन टू इस पूरे की जगह लिखोगे आप q माइनस वन, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, जब मैंने m माइनस वन अपॉन टू को p माइनस वन माना था तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, टू पी माइनस वन, तो m की जगह रख दीजिए 2p माइनस वन, मतलब मैं इसको पूरे को p और q में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं पूरे को p और q में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2p माइनस वन। सिमिलरली जब मैंने n माइनस वन अपॉन टू को q माइनस वन माना था तो n की वैल्यू क्या आ गई थी, 2q माइनस वन, तो मैं n की जगह डाल दूंगा 2q माइनस वन। यहाँ तक समझ गए कि नहीं, तो दोबारा समझना, ठीक है, तो अब जरा देखिए ये क्या आ गया, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू इज सॉरी अपॉन a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू पी माइनस वन अपॉन टू पी माइनस वन, ठीक है। हाँ जी अभी अभी समझो, चलो अभी बता देता हूँ, देखिए ना अभी अभी समझो, इसके आगे वाली चीज़ जो है वो होल्ड करने वाली है, ठीक, यहाँ तक तो रुक जाइए, मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ, यहां पर लिखा था m एंड m टर्म्स, सम्स ऑफ m एंड m टर्म्स, मतलब m टर्म का सम क्या हो गया, सम ऑफ m टर्म्स क्या हो गया, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, और n टर्म्स का सम हो गया n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, तो सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दे रखा है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, फिर शो कर रहे हैं वो आगे का मटेरियल, शो दैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म्स, mth और nth टर्म का सम जो है वो 2m माइनस वन और 2n माइनस वन के इक्वल होगा अपॉन, मतलब इस रेशियो के इक्वल होगा 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ठीक है। ये अब क्या है कि नहीं समझे, अच्छा तो sn क्या हो गया, m by 2 into 2a plus m minus 1 into d, और sn क्या हो गया, n by 2 into 2a plus m minus 1 into d, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक तो मैंने सिर्फ सम का फॉर्मूला लगाया है, और इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो डिनोमिनेटर जब दोनों का सेम होता है तो कट जाता है, कट जाता है, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, केवल एम और ये ब्रैकेट, नीचे बचा एम और ये ब्रैकेट, तो एक एम से बताओ बताओ क्या हो गया, मैं आ रहा हूँ, अरे मैं आ रहा हूँ, सब कुछ दोबारा बता, तो एम इधर एम बचा था और इधर एम स्क्वायर है, तो एक एम से एक एम कैंसल आउट हो गया, तो केवल एक एम बचा। सिमिलरली यहाँ पर एन था और यहाँ एन स्क्वायर था, तो एन से एन स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो एक एन बचा है। अब हो गया मेरे पास 2a plus m minus 1 into d upon 2a plus m minus 1 into d is equal to m upon m, यहाँ तक ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा यहाँ तक ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है mth टर्म, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, mth टर्म का a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है, मुझे a प्लस एम माइनस वन इंटू डी काश मिल जाता तो काम यही हो जाता, मैं इसी को ए एम बोल देता, ए एम, ए एम यानी कि ये आपका mth टर्म, ए एम बोल देता, ठीक। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर भी टू ना होता तो हमारा काम हो जाता, वो nth टर्म हो जाता और उसी का रेशो मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो 2 है ये परेशान कर रहा है, तो इस 2 को गायब करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इस ऊपर भी और नीचे भी मैंने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने का मतलब होता है कि हर टर्म से आप 2 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 3 कॉमन लोगे तो हर टर्म से आपको 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ये देखिएगा ये 2a plus n minus 1 into d है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब इस 2a को भी आप 2 से डिवाइड करोगे और m minus 1 into d by m minus 1 by m minus 1 into d को भी 2 से डिवाइड करोगे, समझ गए। इसी तरह से आपने नीचे से 2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब इस 2a को भी आप 2 से डिवाइड करोगे और n-1 into d इसको भी आप 2 से डिवाइड करोगे,
यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो अब ऊपर भी 2 कॉमन लिया, नीचे भी 2 कॉमन लिया, 2 से तो 2 कट गया, गायब हो गया। ऐसे ही इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ क्या बचा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बाई 2, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बाई 2, और a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बाई 2 ये हो गया। अब क्या है कि a तो आ रहा है, d तो आ रहा है, ये वाली टर्म काश एम माइनस 1 आ जाती है ना, तो मेरा mth टर्म बन जाता। तो भाई mth टर्म तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको pth टर्म बना देता हूँ। मैंने सोचा कि मैं इसको pth टर्म बना देता हूँ, और वो मैंने बना लिया। कैसे, ये जो m माइनस 1 अपॉन 2 है, इसकी जगह मैंने p माइनस 1 अपने आप से मान लिया, मैंने m माइनस 1 अपॉन 2 को p माइनस 1 मान लिया। अब इक्वेशन 1 के बाद वाला समझ ध्यान से, तो ये mth टर्म तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा ना, नहीं समझे भाई। mth टर्म बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, पूरे को मैंने p माइनस 1 ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, a p यानी कि pth टर्म, समझ गए। इसी तरीके से नीचे a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 अपॉन 2, इसको मैंने क्या मान लिया, q माइनस 1 मान लिया, तो ये a प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, qth टर्म यानी कि a q, समझ गए। अब जब m माइनस 1 अपॉन 2 को मैंने p माइनस 1 माना था, तो इसको रीअरेंज करके आप m की वैल्यू p की टर्म्स में निकाल दो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसको एक्सपेंड करा, माइनस 1 इधर आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 2p माइनस 1, सिमिलरली n की वैल्यू आ गई 2q माइनस 1, समझ गए। तो जो इधर सब कुछ था, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन था, इसको मैंने p और q में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर है, ठीक है। तो ये बन गया ए पी यानी कि पी एथ टर्म, ये बन गया ए क्यू यानी कि क्यू एथ टर्म, इज इक्वल टू 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1, ये समझ गए, बताओ, ठीक। नाउ सिंपली रिप्लेस p बाय m एंड q बाय m, क्योंकि p की जगह m डाल दो और q की जगह n डाल दो और काम खत्म। एम और क्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। तो हमने कहा कि पी एथ टर्म अपॉन क्यू एथ टर्म का रेशियो 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1 आएगा, तो एम एथ टर्म अपॉन एम एथ टर्म का रेशियो क्या आएगा, 2m माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1, बेटा उसके आंसर। इसको स्टेप बाय स्टेप ना याद कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर ना इधर तक बच्चा पहुँच जाता है, इधर तक बच्चा पहुँच जाता है, उसके बाद उलझ जाता है कि अब मुझे क्या करना है। तो आप समझना कि यहाँ पर मुझे दो नए वेरिएबल मानकर और बाद में उसको रिप्लेस करके m और n लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने सिंपली p की जगह m ले लिया और q की जगह n ले लिया, तो क्या हो गया 2m माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1। तो ये उन क्वेश्चनों में से एक है जो दो बार लगातार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख मैंने रखा हुआ है क्वेश्चन, सीबीएसई 2016-2017, 16 और 17 दोनों में आया है, ठीक है। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-6 साल पुरानी बात है, और हमें लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, उसको हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी है कि कुछ ही चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप लोग 11th में भी पढ़ेंगे, तो वो 11th वाले चैप्टर्स में से एक ए पी भी है, है ना। और ए पी में ये वाला क्वेश्चन आपको 11th की एन सी आर टी में मिलेगा, ये 10th की एन सी आर टी में नहीं है, 11th की एन सी आर टी में है, तो ये क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको मिलना है। कुछ एक एग्जाम्पल्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 15 था, उसमें सेम साइन से नहीं करा, निकाल लो जो रैशनलाइज करना है ना। अच्छा एक बात तो बताओ, डिनोमिनेटर में सेम साइन तो, लेकिन न्यूमरेटर में तो अपोजिट साइन लिया हुआ ना, तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं ना उसमें भाई, चाहे आप न्यूमरेटर को करो रैशनलाइज चाहे डिनोमिनेटर को करो, लेकिन दिमाग में क्या रखना है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा वहाँ पर प्रूव कर रहे थे हम, 1 अपॉन sec होता आसानी से हो गया था, मेरे दिमाग में सेम साइन भैया। पहले ही बता रहा हूँ कि सब बच्चों को एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि जो दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कोई बच्चा ये ना सोचे कि
कि आपके ऊपर सीबीएसई कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, ठीक, किसी के पास इतना टाइम नहीं रखा है कि वो बैठ कर कुछ रिसर्च करेंगे और नए क्वेश्चन बनाएंगे। जो क्वेश्चन है ना घुमा फिरा कर वही रिपीट होते हैं। जैसे एपी में अगर उन्होंने टफ क्वेश्चन डालने की कोशिश करी तो वही आएगा ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप अगर देखोगे ना ट्रायंगल्स वाला चैप्टर अगर आप उठाएंगे तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ उठाकर देख लेना, ऑलरेडी भरा पड़ा है सीबीएसई, मतलब कितनी बार पूछा गया है कि बच्चे पहुंचते हैं ना वहाँ, जब लास्ट में आते आते भी 5 महीने हैं आपके पास, तो जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना सैम्पल पेपर्स की तो वो देख लेते हैं कि अच्छा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो आया ही है, तो वह पेपर जैसे ही आता है पेपर उठाते हैं एकदम पन्ने पलटते हैं, अच्छा ये आया हुआ बीपीटी पूछा हुआ है, चलो खटाखट खटाखट, क्योंकि रटा हुआ है वो प्रूफ उसका। एक बार लेफ्ट के 2 ट्राइंगल लेने, एक बार राइट के 2 ट्राइंगल लेने, दोनों का रेशियो निकालना है और एक वो लिख देना है कि ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैर सेम पैरेलल्स हैं आर इक्वल इन एरिया, दोनों का रेशियो इक्वल। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो रट जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ध्यान रखना कि ये दिमाग में बैठा लो, रट्टा मार लो इसका, कहीं पर चूकना मत इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि बाकी ये भी बड़ा आसान है और ये एक दो चीज़ें ऐसी ऐसी डाल देते हैं। अभी मैं और एक दो क्वेश्चन बहुत सीधा सीधे क्वेश्चन है, कितने सीधे क्वेश्चन, एकदम जलेबी के जैसे सीधे क्वेश्चन, कोई मुश्किल लग रहा है किस एंगल से सबसे इजी चैप्टर से पहले से कुछ भी घुसाओ नहीं, एन को कहीं भी घुसा दो। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, दिमाग में बिठाए रखना इस क्वेश्चन को, जाकर रिवाइज शुरू करना भाई। जो सीरियस बच्चे हैं वो चुपचाप समझ रहे हैं, और जो एक्चुअल में सीरियस है लेकिन ऊपर से नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम जो हैं सीरियस नहीं हैं, हम मजाक कर रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जरा ऐसे से सावधान रहे, दिमाग में छाप लिया उस चीज को, लेकिन सामने यार कहाँ फंस गए, कैसा क्वेश्चन है, क्या है, चलो वो तो टेस्ट, वो तो मैं टेस्ट लूंगा तब पता चलेगा पल्ले पढ़ाया है। सर हमको भी बताइए, तो भैया ऐसो से सावधान रहो, और अब जरा देखो एक और क्वेश्चन, वैसे गलत बात है, अगर तुम पढ़ते हो तो पढ़ाई का डिस्कशन करना चाहिए। मेरे घर वाले तो पूछते मैं लास्ट एक हफ्ते में पढ़ता था ऐसे आ रहा उस टाइम की मैंने पूरी चार्ट करो, चलो तो आगे का क्वेश्चन देखो और फिर मार्क्स कमाते हैं। एक क्वेश्चन और करिएगा, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, ऐसा सचमुच में है तो जहाँ जहाँ पर जिस जिस क्वेश्चन में डाउट्स हैं वो क्वेश्चन करो ना मार, जहाँ पर अटको तभी तो पढ़ने बैठते हो ना, जब पढ़ते नहीं हो पढ़ते तो है ना, तो जब पढ़ने बैठते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, जब पढ़ने बैठते हो ये लड़का है, क्वेश्चन जहाँ पर डाउट आता है तुरंत मेरे को व्हाट्सएप करता है, दिन रात कुछ मत देखो उसमें, व्हाट्सएप कर दो, ये टिया व्हाट्सएप करती है, ठीक है, अभी उसने आरुष ने भी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप किया था, बीच में इसको पढ़ने का कुछ हुआ था, ठीक है, आजकल भूमि भी पढ़ रही है तो ये भी बीच बीच में व्हाट्सएप कर देती है, कब तक पढ़ेगी ये नहीं पता मुझे, ठीक। तो भाई अगर आप पढ़ना शुरू करो तो जहाँ पर भी अटको आप क्वेश्चन भेजो मेरे को, मैं कराऊँगा, ठीक है ना, तो और उससे सभी का फायदा होगा, सभी का फायदा होगा। आप जरा देखो ये क्वेश्चन अच्छा लेकर आया है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0 फुल स्टॉप, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ एन एपी, नीचे वाला कर दे, काट दो इसको यार, बेकार है सर, कराओ क्या हुआ सर, मतलब बेकार है तो कब किस से, कुछ एक्चुअली है नहीं इसमें, सच बताओ। अच्छा सर तुम्हारी समस्या है ना, मेरा खुशी चाहिए कुछ, अच्छा तुम्हारे वाला कभी नहीं आ रहा था, तुम्हारी खुशी के लिए ये वाला क्वेश्चन भी, अरे यार क्या करा तुम, करा एक और पूरा क्वेश्चन बताओ सर, लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा नहीं करना चाहिए,
The fourth term of an AP is 0. The fourth term. Of an AP is 0, full stop. Prove that the 25th term of an AP. Term of an AP is 3 times its 11th term. Is three times its 11th term. ठीक है, देखिएगा भी मैं पूछा कि जहाँ पर भी एडको मेरे को क्वेश्चन भेज दिया करो. अच्छा, तुम तो शुरुआत से समझ गए. मैं कहूँ तो इस संडे को लेता हूँ, अगर सैटरडे का स्कूल का ऑफ है तो सुबह आ जाओ, सैटरडे को लेता हूँ. अरे तो तुम्हें क्या बताऊँ, सभी को बताऊँगा, सबकी क्लास लेनी पड़ती है, शुरुआत से बता. ठीक है, चलिए चलो देखिएगा. द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो. इसका मतलब क्या है, गिवन ए फोर इज इक्वल टू जीरो. फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई, माइनस थ्री डी इक्वेशन नंबर वन. अब ये मत सोचना कि मुझे ए और डी निकालना है, कुछ नहीं निकालना. जो चीज प्रूव करी है, जो प्रूव करनी है, समझ गए. अच्छा, तुमको समझ गया, बाकी भी मुझे देखो भाई. Prove that the 25th term of an AP is 3 times its 11th term. तो prove क्या करना है, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. Prove. Twenty fifth term का मतलब हो गया 825 is 3 times its 11th term. तो 3 times of a 11. मुझे ये चीज prove करनी है. तो 825 निकालो. देख लो भाई इधर नीचे. पता क्या निकालना है इसमें? इसमें क्या करना है पता नहीं है, क्योंकि ध्यान उधर है. 825 is equal to 3 times of A11. ये प्रूफ करना. तो 825 क्या हो गया, अभी भी ध्यान है नहीं इधर. 825 क्या हो गया, A plus 24D. तो भाई A की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ. A की वैल्यू क्या थी, माइनस 3D. तो A की जगह रख दो माइनस 3D. प्लस 24, प्लस का 24 और माइनस का 3, ऐसे ही 21D. अब मुझे ये किसके इक्वल प्रूव करना है, 3 टाइप्स ऑफ A11. ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ A11 निकालो. RHS 3 टाइप्स ऑफ A11, तो 3 टाइप्स ऑफ A प्लस 10D इज इक्वल टू 3 टाइप्स ऑफ A. कितना है हमारे पास, कितना निकला था, माइनस 3D. माइनस 3D प्लस 10D प्लस 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7. तो 3 इंटू 7D कितना हो गया, 21D. LHS आ गया RHS के इक्वल. ठीक है, मैंने वही दूसरा पढ़ दिया ना, पता नहीं यहाँ तो यही करा था. A11 में 21D के इक्वल. और सर ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, तुम ना क्या कर रहे हो, तुम दोनों चीजें साथ साथ लेकर चल रहे हो, तो दोनों को साथ साथ लेकर नहीं चल रहे. ठीक है, और माइनस 60 कैसे आ गया, पहले. अच्छा, तुम डी को इधर ले आए, ए को. नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. ए फोर जीरो है, तो ए प्लस 3D जीरो हो गया. नहीं, ये गलत है.
पता है क्या, तुम भी वही काम कर रहे हो, तुम ना जो चीज़ हमें प्रूव करनी है तुम दोनों को पहले से इक्वल लेकर चल रहे हो। मुझे 825 और 311 को मैं शुरुआत से इक्वल लेकर ही चलूँ, ठीक है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि देखो हमने दोनों को पहले ही इक्वल रखा, अभी तो तुम 24 को इक्वल लेकर रहे हो, है ना, तो रखना देंगे इक्वल प्रूव करो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ, मत करना ऐसे। हाँ जी सर, जब 3 को 11 से वहाँ पर सेटिंग देंगे, हाँ, तो सर वो 3 करेंगे। अरे मैं लेकर नहीं गया, 3A11 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ऐसे तो 3 से 3 को काट दो तो। हाँ भैया चलिए जी क्वेश्चन नोट करें, तो एट्थ टर्म ऑफ एन इंटीग्रल, द एट्थ टर्म ऑफ एन ईपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म, द एट्थ टर्म ऑफ एन ईपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द इलेवेंथ टर्म एक्सीड्स 1/3 exceeds 1/3 of its fourth term by one, one-third of its fourth term by one, fifth stop, find the 15th term, देखिएगा क्या दिया है, द एट टर्म ऑफ एन ए पी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म, एक ए पी है उसकी जो एट्थ टर्म है वो उसी ए पी की सेकेंड टर्म की आधी है, ठीक है, द एट टर्म ऑफ एन ए पी यानी कि ए एट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए टू, वो उसी ए पी की सेकेंड टर्म की आधी है, ए एट एट्थ टर्म। अच्छा एट्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 17 इज इक्वल टू 1/2, और ए टू को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 1d यानी कि ए प्लस डी। अब इस हाफ सर ए टू 1/2 है ना, मतलब वो हाफ है, हाफ ऑफ ए टू, हाफ मल्टीप्लाइड बाई एट, ठीक है, तो हाफ तो एज इट इज हो गया, और ए टू की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस 1d, और ए एट क्या होगा, ए प्लस 17। हाँ अब क्या करोगे, जो 2 है इसको इधर ले आओ, तो 2 इंटू ए प्लस 17 और इधर क्या बचा, केवल ए प्लस डी बचा, तो भाई ये हो गया 2a प्लस 2 7 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब इस a को इधर ले आओ तो 2a माइनस a इज इक्वल टू डी माइनस, या ऐसे लिखो, हाँ लिखो ऐसे, डी माइनस 14d, तो 2a माइनस a क्या हो गया a, और d माइनस 14d कितना हो गया माइनस 13d, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, a की वैल्यू आ गई माइनस 13d, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी अब आगे देखते हैं, अगली कंडीशन इन्होंने दी है 2a प्लस 14d माइनस 17। अच्छा यहाँ पर 2 था, 2 को इधर ले आए तो 2 इंटू ए प्लस 17, तो 2 इंटू ए एंड 2 7 14d इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब a को तो इधर ले आए तो 2a माइनस a और 14d को उधर देगा, तो d माइनस 14d कितना हो जाएगा माइनस 13d, और 2a माइनस a इसकी a की वैल्यू माइनस 13d आ गई, समझ गए। इसी तरीके से जो अगली सेकंड कंडीशन दे रखी है उससे सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, क्या उन्होंने बोला कि 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाई 1, 11th term exceeds 1/3 of its fourth term. So, okay,
तो ठीक, इलेवंथ टर्म जो है वो क्या है, इलेवंथ टर्म एक्सीड्स वन थर्ड ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, वो फोर्थ टर्म के वन थर्ड से एक नंबर ज़्यादा है, एक ज़्यादा है बाई वन। देखिए इलेवंथ टर्म के बारे में बताया जा रहा है कि इट एक्सीड्स वन थर्ड ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, वन थर्ड ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाई, ठीक है नहीं समझे? हाँ, क्या हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, और a फोर क्या हो गया a प्लस थ्री डी प्लस वन। अब क्या करिए, इधर एलसीएम लो पहले, सीधा थ्री को इधर मत ले आना, पूरे के डिनोमिनेटर में थ्री, ये इतने के डिनोमिनेटर में थ्री प्लस वन अलग है, तो a प्लस टेन डी इज इक्वल टू के थ्री इससे वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए प्लस थ्री डी प्लस थ्री अपॉन थ्री, तो थ्री को इधर ले आते हैं, तो थ्री इंटू ए प्लस टेन डी इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी प्लस थ्री, थ्री इंटू ए कितना हो गया थ्री ए, और थ्री इंटू टेन कितना हो गया थर्टी डी इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी प्लस थ्री। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब जो ए की वैल्यू है ना, अरे पहले पहले ए को एक जगह तो रख लो, है ना, एक काम करो, चलो सब कुछ इधर ही ले, लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो ये हो गया थ्री ए प्लस थर्टी डी माइनस ए माइनस थ्री डी इज इक्वल टू थ्री। और अच्छी बात ये है कि जल्दी रियलाइज तो हो गया। अब हम सैटरडे को क्लास लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ मुझे देर से हुआ था। तो 3a माइनस ए कितना हो गया 2a, और 30d माइनस 3d कितना हो गया 27d इज इक्वल टू 3। तो 2 को तो वो तो 2 ही रहेगा, एक जगह माइनस 33 डाल दो, माइनस 13d और प्लस 27d इज इक्वल टू 3। अब 2 इंटू माइनस 13 कितना होता है माइनस 26d, 27 की माइनस 16, डी की वैल्यू 3 आता है। ठीक है सर, मैं इक्वेशन करना पड़ेगा ना कि इक्वेशन 1, हां वो अच्छा वो तो कर ही दोगे, मैंने इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू यहां पर कितनी माइनस 13 डी डाल दी तो कर लेना। अच्छा जी, इसके बाद क्या है कि अब इक्वेशन नंबर 1 से 1 में वैल्यू डालेंगे डी की, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 a is equal to minus 13 into d की जगह 3 डाल दिया, तो a is equal to minus 39। और बोल रहे हैं find the 15th term, तो 15th term क्या होगी, a 15 is equal to क्या हो गया a plus 14 नहीं, ठीक है, तो भाई a क्या है minus 39 14 और d क्या है 3, तो minus 39 14 3 is 42 minus 39 is 3, 15th term 3 है इसकी। समझ गए ऑनलाइन वाले बच्चे, बताएं? ठीक है चलो जी। और कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं छुट्टी Thank you.
फर्स्ट टर्म क्या है ए कितना है टू कॉमन डिफरेंस क्या है थ्री अच्छा एस एन पी का मतलब क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स सम ऑफ एन टर्म्स ठीक है अगर मान लीजिए एस टू हो तो इसका मतलब क्या है सम ऑफ टू टर्म्स S2 is equal to sum of two terms. तो दो terms का sum. तो या तो formula लगा कर sum of two terms निकालो. और अगर formula नहीं लगा सकते हैं तो सीधा सीधा देख लो भाई. 2 plus 5 क्या हो गया? 7. तो शुरुआत की दो terms का sum 7 आ गया. सर क्या होता है आपने? भाई या तो formula लगा कर शुरुआत की दो terms का sum निकाल लो. या सीधा सीधा add करो. 2 plus 5 कितना हो गया? 7 हो गया. है ना? अच्छा S1 क्या होगा? सम ऑफ वन टर्म या टर्म्स फर्स्ट टर्म ही तो होगा जो एस वन है एस वन का मतलब क्या है सम ऑफ वन टर्म तो भाई एक टर्म का सम किसके पेन पे एक टर्म का सम तो एक टर्म का सम का मतलब क्या है कि भाई एक ही टर्म एक टर्म का सम किसके साथ करोगे किसी के भी साथ नहीं भाई जो एस वन है एस वन इज इक्वल टू ए वन जिसको हम ए भी बोल देते हैं तो वो क्या हो गया टू हो गया समझ गए अरे समझे या नहीं समझे दांत बाद में दिखा लेना बताओ क्लियर है सारे के सारे क्लोजअप यूज करते हो वो दूर से जो स्माइल है ना उसमें पता चल जाता है टूथपेस्ट में नमक है इससे ये समझ में आता है क्या क्या कहते हो चलो भाई इधर देखो अब ये सम ऑफ टू टर्म्स आ गया सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब पहली और दूसरी टर्म का सम दोनों का एडिशन और एस वन का मतलब पहली टर्म का सम तो पहली टर्म का सम मतलब क्या होता है सिर्फ पहली टर्म तो जरा एस टू में से एस वन को सब्ट्रैक्ट कर दो क्यों ऐसे ही बस ऐसे ही मन कर रहा है S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है ठीक है सेकंड का बात है ठीक है भाई क्या हो गया ये हो गया 7-2 7-2 करा तो क्या आ गया 5 आ गया और 5 क्या है सेकंड का तो फॉर्मूला नोट कर लो S2 minus S1 is equal to A2 होता है S2 minus S1 is equal to A2 होता है
100% काम आएगा अभी करवा रहा हूँ क्वेश्चन इसमें चैप्टर तो खत्म हो गया मैं तो अब टेढ़े वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पेपर में आता है एस टू का कोई नया कांसेप्ट नहीं है एस टू तो अभी पास नहीं है वही टू होगा एस टू का मतलब है सम ऑफ टू टर्म तो पहली और दूसरी टर्म का सम पहली और दूसरी टर्म का सम क्या हो गया सेवन हो गया उसके बाद देखिए एस वन क्या है एक टर्म का सम मतलब एक ही टर्म मतलब पहली टर्म तो पहली टर्म टू है तो अगर सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मतलब टू प्लस फाइव सेवन में से अगर टू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो केवल ये बच जाएगा सेकेंड टर्म तो हमें ये याद रखना है सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म अगर करेंगे तो ए टू आ जाएगा तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा होता है और पूछते हैं कि आप mth टर्म या nth टर्म निकालो ये पूछा जाता है तो इसका यूज़ कहाँ पर आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्वेश्चन नोट करिएगा एक काम करो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो क्वेश्चन अगली बार में कराऊंगा ठीक है ना पाँच दस मिनट लेकिन भाई एपी तो खत्म हो गया है एपी तो खत्म हो गया मैं तो बता रहा हूँ आप बिल्कुल सही बात है आप जो है आप क्वेश्चन थोड़े इसके ट्राई करिए ठीक है और मैं इस पर स्ट्रेस इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको कर लेंगे बड़े आराम से जरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके ट्राई करें ठीक है बोर्ड में आएंगे तो प्री बोर्ड में देखता हूँ वो प्री बोर्ड में सुबह बुला लो तो मैं 9 बजे तक अभी भी सारे लोगों के बारे 40-50 क्वेश्चन मिलेंगे वो कर डालना हो जाएगी ठीक है हेलो नहीं यहीं पर अभी तो मेरे लिए